हे गाइस, वेलकम टू मूवीज कनेक्शन, जहां आज मैंने देखी बिग बजट तमिल फिल्म पोनिन सेल्वन पार्ट 1, जिसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा सब जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। मूवी का ट्रेलर मुझे पसंद आया था, जिसके बाद इसे एक बार देखना तो बनता ही था। PS1 यानी पोनिन सेल्वन पार्ट 1, जो कि बेस है 1955 की सेम नेम की नॉवल पर, जिसकी कहानी सेट है या फिर कहूँ दिखाती है 900 AD से लेकर 1000 AD के बीच का टाइम, एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं। बाकी कहानी इंटरेस्टिंग है नो डाउट, जो पूरे टाइम हमें बांधे रखती है, हर एक सीन देखने लायक है और हम देखना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा, जो याद दिलाती है गेम ऑफ थ्रोन की। जी हाँ, क्योंकि कहानी सत्ता और गद्दी को लेकर है जो ये फिल्म दिखाती है। पर सेकंड पार्ट का वेट करना होगा जो कहानी को कंप्लीट करेगा, पर फिलहाल बात फर्स्ट पार्ट की करते हैं, जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, जिसे ग्राउंड लेवल पर रखकर क्या फिर कह सकते हैं रियल तरीके से प्रेजेंट करना काम आया, जो कहीं ना कहीं मूवी से कनेक्ट करने में और बिलीव करने में मदद करता है, क्योंकि मूवी पूरी तरीके से डिपेंड अपनी कहानी पर थी। बाकी कहानी एक तरह से एक जर्नी भी फील होती है, जो कि फॉलो करती है वंदी देवन को, जिसे जिम्मेदारी मिली है दो मैसेज पहुंचाने की, जो किसके लिए है और क्या है वो आपको मूवी में देखना होगा। मूवी का बजट 500 करोड़ है, जो कि नजर नहीं आता, क्योंकि डायरेक्शन अच्छा था, एक्चुअली लाजवाब था, पर सिर्फ और सिर्फ कहानी और प्रेजेंटेशन को लेकर, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट में मूवी मार खाती है, जैसे मूवी के एक्शन जो कि अच्छे थे, पर कोई भी एपिक या कोई भी ऐसा नहीं जो कि याद रहे। वहीं VFX और CGI भी ठीक ठाक है, पर 500 करोड़ जैसे तो बिल्कुल नहीं, सिवाय कॉस्ट्यूम्स और सेट डिजाइन के, जो कि अच्छे थे और मुझे पसंद आए। बाकी वापस आ जाऊं बजट पर, जो कि आई थिंक खर्च हुए हैं कास्टिंग पर, जो मूवी की बड़ी थी, लिटरली बहुत बड़ी, जिसमें हर एक एक्टर की परफॉर्मेंस काफी बढ़िया थी, जो कि सही भी था, क्योंकि मूवी डिपेंड कहानी की बात किसी पर थी तो वो थे एक्टर्स, जिनकी कास्टिंग से लेकर परफॉर्मेंस तक में मूवी पूरी तरीके से पास होती है, जिसमें हाँ ऐश्वर्या राय की परफॉर्मेंस भी अच्छी है, जो कि हर कोई जानना चाहता है। बाकी BGM भी ठीक ठाक था और एडिटिंग भी, क्योंकि लेंथ फील होती है कुछ जगहों पर। तो ओवरऑल मेरे नजर में PS1 एक काफी अच्छी फिल्म है, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हो, पर सिर्फ और सिर्फ कहानी के लिए, जो कि आपको पसंद आएगी। जिसे ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को दूंगा 3.5 स्टार्स। तो गाइस, ये था PS1 को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे अगर आपने देख लिया है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू, जो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।